सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा महापर्व पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। ऐसे में अपने पितरों का तर्पण और काग यानी कौओं को भोजन कराने का विधान है। विदिशा का मुक्तिधाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश में एक इकलौता ऐसा काग उद्यान है जहां रोजाना कौओं को भोजन कराया जाता है। शहर की सामाजिक और पर्यावरण के लिए समर्पित संस्था मुक्तिधाम सेवा समिति ने विभिन्न प्रजाति के पक्षियों के साथ विलुप्त होते जा रहे कौओं को बचाने के लिए एक अभियान को मूर्त रूप दिया और इसके तहत यहाँ पर वर्ष 2014 से काग उद्यान को तैयार किया। यह देश का इकलौता काग उद्यान है जहाँ बड़ी संख्या में रोजाना कौओं को भोजन कराया जाता है और यह काम प्रतिदिन यानी वर्ष में 365 दिन किया जाता है। चाहे मौसम कितना भी विपरीत हो लेकिन यहाँ की समिति से जुड़े श्रम साधक रोजाना इस कार्य को अंजाम देते हैं। इसका लोकार्पण भी 6 जून 2018 को देश के जाने माने पर्यावरणविद, जल पुरुष और अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया था। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि मैंने मुक्तिधाम के अतिरिक्त देश में कहीं भी न तो काग उद्यान देखा है और न ही कौओं को बचाने का ऐसा कार्य देखा है। ये संस्था पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और मन में यही था कि विलुप्त होते कौओं को कैसे बचाया जाए क्योंकि इनका धार्मिक परंपराओं में भी महत्व है और ये जहरीले कीटों का भक्षण भी करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तभी से 2014 से इन्हें बचाने की मुहिम शुरू कर दी थी। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। और आप लोगों ने जैसा देखा है कि विदिशा का मुक्तिधाम हरतमय मुक्तिधाम है, पर्यावरण के लिए एक संदेश देने वाला मुक्तिधाम है। और सबसे बड़ी खासियत इस मुक्तिधाम की यह है कि यहाँ काग उद्यान है। मेरे जन्मदिन पे 2014 को इसको हमने तैयार किया था कि मन में था कि पक्षी आते हैं मगर काग जो पितृपक्ष में बहुत अनिवार्य है और सनातनी परंपरा में बहुत अनिवार्य होता है काग, जिनको हम पूजते भी हैं और एक रूप मानते हैं कि पितरों का रूप मानते हैं, तो मन में था। तो 2014 में हमने बाकायदा इसको जन्मदिन के दिन हमने इसको तैयार किया काग उद्यान में। आज ये स्थिति है, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो, कोई पुण्यतिथियाँ भी हों, सारे लोग आगे वहाँ भोजन कराते हैं। और एक और खुशी की बात है कि देश के ख्यातिनाम जो पर्यावरणविद हैं, जल पुरुष हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने 6 जून 2018 को उसका लोकार्पण भी किया था।